Assalamu alaikum everyone, welcome back after the break. I hope you had a great Eid, all of you. So, I'm sorry for what happened yesterday first. मेरे Zoom के account में actually कुछ issue हो गया था and that's actually the reason के आज भी जो हमारी क्लास होगी दैट्स गोइंग टू बी ब्रोकन इनटू अ कपल ऑफ पार्ट्स बिकॉज़ मेरा पहले पेड अकाउंट था अब मैंने दोबारा उसके लिए अप्लाई किया है तो इट माइट टेक अ फ्यू मोर आवर्स टू गेट दैट तो अभी बेसिक अकाउंट में बस की प्रॉब्लम ये होता है कि द मीटिंग इज कट एट 40 मिनट्स मार्क उसमें ये होगा कि 40 मिनट्स जब हमें इस मीटिंग के अंदर हो जाएंगे ये मीटिंग ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू एंड तो फिर दोबारा से जो है आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा यूजिंग द सेम मीटिंग आईडी एंड द पासवर्ड ठीक है 40 मिनट्स बाद जब ये सेशन एंड होगा व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ज्वाइन यूजिंग द सेम मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड अगेन ठीक है इज दिस क्लियर टू एवरीवन It should be resolved by the next class, but आज ये issue हमें आ सकता है अच्छा So let me know if you have any issues with that. Otherwise, we will start what we have to do today. So before we start, I would request all of you to log in to Google Classroom or session 8 के अंदर जो एक एक्सेल फाइल अपलोड है यू शुड डाउनलोड दैट फाइल गूगल क्लासरूम पे सेशन 8 के अंदर मैंने एक फाइल अपलोड की है प्लीज डाउनलोड दैट फाइल Once you have downloaded, please write in the chat box that you're done so we can start. Okay, is everyone done with the download? Any issues you're having? So this, if you open the Excel workbook that I have uploaded there, in the first sheet, you'll see what we were actually doing the last time. So it's been quite a few days, about 15 days. So let me just remind you what we were doing. So we were actually working on text functions last time. So text functions के अंदर हमने देखा था कि पहले तो हम ज़्यादातर formulas apply कर रहे थे. They were on numbers, but we saw कि हम किस तरह से text data के ऊपर भी उसको हमने कुछ जो है कुछ तरह manipulate करना हो या कुछ उसकी उसका structure बेहतर करना हो तो हम कुछ text functions use kar sakte hain and we looked at a number of these functions that are listed here so we started with concatenate kya karta hai it combines two text strings that was two different cells ke andar text pada hua hai ya koi bhi do aapke paas text hai do se zyada text hai agar aap combine karna hai to aap concatenate function use kar sakte hain उसको मर्ज कर सकते हैं इसको यूज करके देन यू हैव दीस थ्री फंक्शंस राइट लेफ्ट एंड मिड किसी टेक्स्ट के आपने राइट से कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हो लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर्स उठाने हो या दरमियान से कुछ कैरेक्टर्स उठाने हो यू यूज दीस फंक्शंस फॉर दैट एल ई एन हम
लेंथ के लिए यूज करते हैं, इट टेल्स यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज देयर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है. इसमें स्पेसेस भी काउंट करता है वो, जस्ट रिमेंबर दैट. ट्रिम फंक्शन हमने कहा था कि अक्सर जो है आप कोई डेटा कहीं से डाउनलोड करें फ्रॉम एनी वेयर, उसमें कभी कभी इस तरह के इश्यूज आते हैं कि स्पेसेस जो है वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं बिटवीन द वर्ड्स या फिर बिफोर आफ्टर द वर्ड्स. तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट एक्चुअली ट्रिम्स दो स्पेसेस, ताकि आपने उसके ऊपर कोई फर्दर एनालिसिस करना है उसके बाद तो वो स्पेसेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए. अच्छा, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग अ बिट, सो कैन समबडी रिमाइंड मी इफ वी डिड डिस्कस ट्रिम लास्ट टाइम और नॉट, या ट्रिम हमने कर लिया था डिस्कस या करना था अभी? ओके, सो ट्रिम में हमने क्या किया था, स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम both sides and from the middle. Then we had the this set of functions, lower, upper and proper. Is ye kya karte hain, lower function jo hai aapke pure text ko small letters mein convert kar deta hai, upper kya karta hai aapko sare capital letters mein convert kar deta hai, proper kya karta hai, it keeps the first letter of a word capital, first letter of every word capital and the rest are small. ठीक है, ये फंक्शन इसलिए यूज करते हैं. एंड देन फाइनली वी सॉ दीज टू फंक्शंस सर्च एंड फाइंड, एंड वी सेड कि ये फंक्शंस जो हैं इनको यूज करके आप किसी टेक्स्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की या सेट ऑफ कैरेक्टर्स की पोजिशन फाइंड कर सकते हैं. पोजिशन मतलब है कि आपको आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंकैटिनेट रखा हुआ है, अगर आप इसमें N की या O की पोजिशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप O, अगर आप फाइंड फंक्शन अप्लाई करें, आप O फाइंड करें इन कंकैटिनेट, तो आपको O सेकंड पोजिशन पे है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड या सेकंड पोजिशन के ऊपर O आ रहा है तो फाइंड आपको टू रिटर्न कर देगा, टू आपको रिजल्ट दे देगा कि O की पोजिशन जो है वो टू है. ठीक है, सो हम ये करता ये है कि इट्स गोइंग टू गिव यू the first matching instance in every case. So for example, इसका मतलब यह है कि अगर आप T इसके अंदर सर्च करें, T for tiger, if you were to search for that, ये आपको पहला T जो है वो निकाल के देगा, उसकी position देगा. यहाँ से start करेगा सर्च करना 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अगर आप T सर्च करेंगे आपको 6 return करेगा. ठीक है, so whatever it finds first, ये आपको उसकी position return कर देगा. Both search and find work exactly the same. The only difference we said was one of them was case sensitive and the other was not case sensitive. So usme sirf ye fark hai. Acha. Now let me add another function there. Just one more function, and that's called substitute function. ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन एज द नेम सजेस्ट्स, ये क्या करता है, इट कैन रिप्लेस सम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद सम न्यू टेक्स्ट. तो इसका क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं कि सो लेट्स लुक एट दीज डेट्स हियर. ठीक है, बस ये मंथ ईयर इस फॉर्म के अंदर ये डेट्स पड़ी हुई हैं. नाउ लेट्स से व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ दीज डेट्स. क्या मतलब, आई फॉर नाउ आई हैव सॉरी अभी मेरे पास क्या इसका फॉर्मेट है, इट्स मंथ, मंथ लिखा होता है, फिर कॉमा है, फिर स्पेस है और फिर ईयर. ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज राइट नाउ. Let's say इसका फॉर्मेट चेंज करना है, I want it to be like this, कि ये मंथ हो और फिर डैश हो और फिर ईयर हो.
without any spaces, you have month, dash and year. ठीक है, ये कर सकते हैं आप यहाँ पे. इनफैक्ट ये फॉर्मेट जनरली यहाँ पे अप्लाई होता है इस पोजिशन के ऊपर. इस तरह का जो फॉर्मेट होता है इसमें आप कर दें मंथ एंड ईयर. ठीक है, ये क्या है स्पेस की बजाय. व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट इट टू लुक सम लुक लाइक दिस के जनवरी लिखा हो फिर 2017 इस तरह से लिखा हो. स्पेस की बजाय यहाँ पे डैश हो. राइट, इसके लिए आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज कर सकते. सो सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, इट हैज गॉट सम आर्गुमेंट्स लाइक दिस. सबसे पहले आपने बताना है कि इनपुट टेक्स्ट कौन सा है, किस टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई चेंजेस करनी है. सो दैट इज दिस टेक्स्ट. ठीक है, ये आपका इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करना है. ओके, उसके बाद इट सेज किस टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है. ठीक है, कि वो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं. ठीक है, और फिर आप न्यू टेक्स्ट में आप बताएंगे कि आपने उसको किस चीज से रिप्लेस करना है. राइट, सो ओल्ड टेक्स्ट में आप यहां पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वी वॉन्ट टू रिप्लेस द स्पेस विद डैश. So this is how you could write it. So old text में क्या आया, space आ गई, आपने inverted commas के अंदर space डाल दी. New text में क्या किया आपने, आपने कहा inverted commas के अंदर dash. So what you're essentially saying is कि आप इस text में जाओ, इस cell के अंदर जाओ, जहां पे इधर के अंदर space है उस space को आप dash से replace कर. ठीक है, उस स्पेस को आप डैश से रिप्लेस कर. अच्छा, वी आल्सो हैव अनदर आर्गुमेंट आफ्टर दैट, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंस नंबर. अब लिखें इसके अराउंड, देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है. स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब रिमेंबर क्या होता था, इट मींस इट्स एन ऑप्शनल आर्गुमेंट. अब इसके बगैर भी द फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क, लेकिन अगर आप इसमें कुछ डालेंगे तो द बिहेवियर माइट बी डिफरेंट. लेकिन इसके बगैर भी द फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क. सो बिफोर वी गो टू दैट, लेट मी जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सी व्हाट हैपेंस. सो हमने वो टेक्स्ट इनपुट किया, स्पेस को हमने डैश से रिप्लेस कर दिया. प्रेस एंटर, हम एक्सटेंड कर देते हैं फॉर्मूला को लाइक दिस. वी सी कि यहाँ पे फॉर्मेट जो है चेंज हो गया, स्पेसिस की जगह यहाँ पे डैशेस आ गई. ठीक है, अच्छा. Now, there's also another possibility. और वो possibility क्या हो सकती है, अगर मैं for example यहाँ पे नीचे आता हूँ, in this case, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो अरहम लिखा हुआ है यहाँ पे, अरहम जो लिखा हुआ है, इसके अंदर what I want to do is, I want to replace certain characters with some other characters. अच्छा, इससे पहले before we do that, let me just confirm कि ये case sensitive है कि नहीं है. अच्छा, let me just try this. Sorry. Substitute. अच्छा, so this is case sensitive. अच्छा, so let's try something else then. Okay, let's look at this example. So यहाँ पे क्या है? We have this name called Jaleed. ठीक है? Now let's say मैं यहाँ पे जो E's हैं, इनको I want to replace with something else. ठीक है? So मैं क्या करता हूँ? I can do this. I can say substitute this text in this text. Old text kya hoga? E. New text kya hoga? Let's say I want to replace with let's say I. Okay.
and let me close the brackets up. So this is what I get. उसने is को is से replace कर दिया है in both cases. So essentially उसने उसके अंदर देखा उस word के अंदर उस text के अंदर जितने भी is थे उसने उन सब को convert कर दिया to is. उसमें दो is थे उसने दोनों को convert कर दिया है. Now, what if I only wanted to convert the second E, not the first E? I want it to be like this, ke first ko main E rakho aur second ko main I kar do. Iske andar kya kar sakte hain? Iske andar your last argument there is going to be useful, and that is ke aap wahi text aapne input kiya and you input old text kya hai e ko aapne replace karna hai kisse replace karna hai I se. Then you have this last argument that's called instance number. Instance number ka matlab hai ki ye dekhen isme the do e's hai na, the first e is the first instance of this e in this cell. Ye jo second e hai, this is the second instance of this e in the cell. Theek hai. तो आप ये लास्ट आर्गुमेंट में क्या है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से इंस्टेंस को आपने रिप्लेस करना. सो इफ यू वर टू राइट वन हियर फॉर एग्जांपल, क्या आएगा? फर्स्ट वाला ई आई से रिप्लेस हो गया, सेकंड वाला ई वैसे ही रह गया. ठीक है, इफ यू वर टू राइट टू हियर, इसमें क्या हुआ? फर्स्ट वाला ई वैसे ही रह गया, सेकेंड वाले ई को हमने आई से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस नंबर की जगह टू डाल के. सो दिस इज व्हाट दिस लास्ट आर्गुमेंट हियर. सो दिस इज अनदर फंक्शन दैट यू शुड नो अबाउट. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस बिफोर वी मूव टू वन एग्जांपल ऑफ हाउ सम ऑफ दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड टुगेदर टू अचीव समथिंग. सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Substitute clear है सबको? अच्छा, now let's look at this next sheet now. जो आपकी फाइल के अंदर ये next sheet है, extracting last names one. इस फाइल के अंदर you've got some of these names here. And what you want to do is you want to extract the last names from these. ठीक है, last names extract करने. इसका हमने एक तरीका तो last time देखा था कि हम क्या करें, हम ये चीज इस column को select करते हैं. ठीक है, हम data में जाते हैं, data में जाके we have this option of text to columns. Text to columns के अंदर हम ये नेक्स्ट करें, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा, डिड वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम? सॉरी, इट्स बीन सम टाइम, आई अगेन सीम टू बी फॉरगेटिंग. या सो वी डिड. सो यहाँ पे एक चीज तो ये कर सकते हैं कि आपने इन सेल्स को सेलेक्ट किया. नाउ टेक्स्ट टू कॉलम्स वाली जो कमांड है ना यहाँ पे, ये क्या करता है? कोई भी टेक्स्ट है उसको अलग अलग कॉलम्स के अंदर वो कर सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन डीलिमिटर्स. सो डीलिमिटर मतलब अगर कोई टैब आ रहा है, सेमी कॉलन आ रहा है, कॉमा आ रहा है, स्पेस आ रहा है, आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आप अदर में डाल के कुछ अपना कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर, उसकी बेस पर वो उसको स्प्लिट कर सकता है डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल अभी this is what the data looks like. जो नीचे आपके पास ये rows show हो रही हैं, this is what it looks like right now. ये जो नीचे आपके पास data है, अगर मैं इसको कहूँ कि इसके अंदर spaces आ रही हैं, मैं इसको space के ऊपर split कर दूँ, space के ऊपर split करता हूँ, तो देखें इसने नीचे मुझे show कर दिया कि अलग-अलग columns के अंदर ये ऐसे show हो जाए. एक first column के अंदर first name आ गया, second column के अंदर ये second name आ गया. When you click on next now और फिनिश करते हैं, ये देखें आपका इस तरह से
दो अलग अलग सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गया और ऑफ कोर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग. ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. एंड ऑफ कोर्स इट्स वर्किंग बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सबके पास सब नामों के अंदर सिर्फ दो नेम्स हैं, दो या दो से ज्यादा नहीं. ठीक है, इसलिए इट सीम्स टू बी वर्किंग. लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास ये दो से ज्यादा नाम हो और उसके अंदर आप वही टेक्स्ट कॉलम्स अप्लाई करें लास्ट नेम फाइंड करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? ये फर्स्ट नेम के अंदर अजहर आपका यहाँ पर आया लास्ट नेम, हाफिज मोहम्मद वलीद के अंदर ये आपका वलीद इधर आ रहा है लास्ट नेम, हैदर अली शाह इसके अंदर आपके लास्ट नेम जो है वो एंड पे जाके इसके अंदर आ रहा है. इन दिस केस इट्स गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव द लास्ट नेम्स इन अ सिंगल कॉलम, और इसमें आप कोई फंक्शन ही अप्लाई करना पड़ेगा. इन द फर्स्ट केस हियर दैट्स डूएबल, आप उस तरह भी कर सकते. ठीक है, But what I'm going to do now is I'm going to show you कि आप ये सेम चीज जो हमने यहाँ पे की है या आप किस तरह से कुछ functions को use करके आप ये last names extract कर सकते हैं. उसका फायदा ये भी है कि जब आप कोई function यहाँ पे लिख देंगे ना और इसी function का आप नीचे extend कर देंगे तो कोई भी आपके पास नई input आती है आपको automatically उसके last names extract होते जाएंगे, आपको manually कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. ये जो टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला है उसके अंदर जब भी आपको नया डेटा ऐड करते हैं आपको ये कमांड दोबारा से जाके रन करनी पड़ेगी. सो दैट्स द डिफरेंस. फंक्शन के अंदर इट्स गोइंग टू ऑटोमेटिकली अपडेट, टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर आपने कुछ भी अपडेट किया तो आपको वो मैनुअली जाके वो दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा. तो अगर तो फंक्शन भी आपके लिए लिखना पॉसिबल हो तो दैट्स जनरली प्रेफरेबल. ठीक है, क्योंकि उसमें आपको हर दफा वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा प्रोसेस. आपने एक दफा लिख लिया तो कोई भी इनपुट नई इनपुट आएगी, कुछ एडिशन होती हैं, मॉडिफिकेशन होती हैं, वो फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली उन सबको इनकॉर्पोरेट कर लेगा. सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द लास्ट नेम्स फ्रॉम दिस नाउ. सो डिड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस लास्ट टाइम एज वेल कि हम किस तरह से भी फंक्शन लिख सकते हैं इसको यूज करके? एनीवन? And if you did, can you give me any suggestions? What should we do to extract last names from here using functions? जो हमने अभी discuss किए इन functions को use करके हम क्या कर सकते हैं? Any ideas? Okay, so since I'm not getting any responses, let me try to explain. आपको देखें आपके पास ये नाम हैं सारे, आपको last names extract करने हैं, ठीक है? So tell me one formula that you think is going to be useful here. कौन सा formula आप use कर सकते हैं यहाँ पे? आप first formula जो आपके ज़हन में आता है वो कौन सा है? आपने देखे लास्ट नेम्स, यहाँ से अजहर उठाने, यहाँ से फहद उठाने, यहाँ से अब्बास उठाने यूजिंग सम फंक्शन. सो कंसिडरिंग ऑल दीज फंक्शंस दैट वी डिस्कस्ड हियर, ये सारे फंक्शंस, इनमें से कौन सा आपके जहन में आता है हमें यूज करना चाहिए लास्ट नेम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए? एनी आइडिया? Okay, so I think we did give a hint here. So last name. So I'm getting a suggestion here. हम राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं उसके साथ लेंथ और सर्च यूज कर सकते हैं. अच्छा, सो सबसे पहले चीज आपके पास आपके जहन में आती है ना, दैट इज द राइट फंक्शन. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड हियर, द राइट फंक्शन. हमने यहाँ पे देखे इसके अंदर अप्लाई किया था मेरे ख्याल है शायद कहीं पे ये चीजें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ से जब कोड्स को यूज कर रहे थे यहाँ इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे शायद हमने ये फंक्शन नहीं अप्लाई किया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. इफ इट डिडंट, या तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ यूज किया था.
it's very similar to that. अपने last names extract करने हैं. What we can do is आपके पास जो सबसे पहला जहन में आता है ना यहाँ पे आपने देखे लास्ट नेम जो उठाने हैं तो आप राइट फंक्शन यूज करेंगे आप राइट साइड से कुछ चीज उठाने सो दैट्स द फर्स्ट थिंग राइट साइड से आपको कुछ कैरेक्टर्स उठाने तो राइट साइड के किससे कैरेक्टर्स उठाने हैं इस सेल के आपने राइट साइड से कैरेक्टर्स उठाने ठीक है दैट्स द फर्स्ट थिंग नाउ द प्रॉब्लम इज कि कितने कैरेक्टर्स उठाने ये आपको नहीं पता ठीक है द प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाएं सो फर्स्ट सेल में तो आपको पांच उठाने हैं बिकॉज अजर फाइव कैरेक्टर्स है सेकंड में भी आपको फाइव उठाने हैं अब्बास में भी आपको फाइव उठाने हैं लेकिन ये जो जया है यहाँ पे यू ओनली नीड थ्री कैरेक्टर्स शाहीन के केस में यू नीड सेवन कैरेक्टर्स ठीक है हुसैन के केस में यू ऑल्सो नीड सेवन कैरेक्टर्स तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स उठाने अब हर एक के अंदर आप अलग अलग फॉर्मूला तो नहीं टाइप करेंगे ना अगर आपके पास थाउजेंड नेम्स पड़े हुए हैं आप हर एक का खुद मैनुअली लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख के तो वो फॉर्मूला नहीं डाल सकते तो आप यू नीड सम सॉर्ट ऑफ डायनामिक वे टू बी एबल टू फाइंड आउट कि लास्ट नेम की लेंथ क्या है सो दैट्स द प्रॉब्लम नाउ कि लास्ट नेम की हमें अगर लेंथ मिल जाए ना देन आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व हमें सिर्फ लास्ट नेम की लेंथ चाहिए सो लास्ट नेम की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं लास्ट नेम अब इस लास्ट नेम की लेंथ के लिए सोचें एक तरीका ये हो सकता है कि हमें पता है कि हम टोटल जो सेल है यहां पे उसकी टोटल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं किसी तरह से ठीक है उसका तरीका क्या होएगा लेंथ फंक्शन होता है हमारे पास राइट लेंथ फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस होल सेल ये पूरे के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप ठीक है लेकिन अब उसमें से हमें देखना है कि स्पेस तक जितने लेटर्स आ रहे हैं ना उनको हम माइनस कर दें तो हमें लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे ठीक है लेट मी रिपीट लास्ट नेम की हमें लेंथ फाइंड करनी है अजहर के फाइव फाइंड करने हैं फॉर एग्जांपल ज़िया के केस में वी नीड टू फाइंड द नंबर थ्री उसका तरीका क्या होएगा कि हम पूरे सेल की लेंथ फाइंड करें पूरे सेल के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें स्पेस तक जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हमने पूरा तो लेंथ फाइंड कर ली यूजिंग द लेंथ फंक्शन इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे स्पेस तक कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं स्पेस तक कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं हाउ कैन वी फाइंड दैट वी कैन यूज द फाइंड और सर्च फंक्शन फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं फाइंड फंक्शन यूज करें कि इस टेक्स्ट के अंदर हमें स्पेस फाइंड करना है सो फाइंड टेक्स्ट क्या है फाइंड टेक्स्ट फाइंड स्पेस विद इन वॉट विद इन दिस टेक्स्ट आप इसको क्लोज कर दें क्या करेगा आपको स्पेस की पोजीशन बता देगा यह करेगा स्पेस की पोजीशन बता देगा फिर आप क्या करेंगे लेंथ में से ये स्पेस की पोजीशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाए ठीक है इसको क्लोज कर दें देखिए आपके पास एंड से उसने फाइव कैरेक्टर्स उठाए हैं तो ये अजहर आ गया इसको एक्सटेंड करते हैं यू गेट ऑल ऑफ दीज लास्ट नेम्स लाइक दिस सो इस फॉर्मूला को देखें एक दफा दोबारा से एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजंस इन व्हाट वी आर डूइंग हियर मैं आपको एक यहाँ पे एक और चीज भी दिखाता हूँ पहले भी आपको दिखाई है बट जस्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर आप इसको सेलेक्ट करके यू कैन गो टू दिस फॉर्मूला टैब एट द टॉप फॉर्मूला टैब में जाके यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ इवैल्यूएटिंग द फॉर्मूला इवैल्यूएट फॉर्मूला में जाके देखते हैं और हम जाके we can try to understand what is happening inside this formula ठीक है हम यहाँ पे इसको देखते हैं gradually कि exactly क्या हो रहा है यार इस formula के अच्छा so let's try to look at this zoom in कर लूँ
So let's try and see what is happening inside this formula. ठीक है, so देखें ये है right a2, उसके बाद हमने length of a2 में से minus कर दिया है find करके space की position. ठीक है, अब इसको evaluate करते हैं one by one, step by step. Evaluate पे एक दफा क्लिक किया, देखें सबसे पहले उसने क्या किया, उसने a2 को evaluate किया, जो underlined था, a2 को evaluate किया, a2 के अंदर ये मोहम्मद अजहर पड़ा हुआ था, उसने वो मोहम्मद अजहर लिख दिया a2 की जगह. ठीक है, उसके बाद ये सेकंड a2 को evaluate कर रहा है वो कि इस ये सेल क्या है, उसके अंदर भी ऑफकोर्स वही सेम चीज आ जाएगी, उसको evaluate करेंगे, वो भी मोहम्मद अजहर उस पोजिशन पे आ गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अजहर जो है इसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, इसकी लेंथ क्या है ये आपको मिल जाएगी यहां से नेक्स्ट स्टेप के अंदर. ये उसने उसका रिजल्ट लिखती है यहाँ पे 14, इसका रिजल्ट आ गया. ठीक है, लेंथ सेल की क्या आ गई है 14. अच्छा, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम स्पेस की पोजिशन माइनस कर रहे हैं. स्पेस की पोजिशन हम देखते हैं क्या होगी, उसे उस फंक्शन के लिए सबसे पहले वो क्या करे, a2 को इवैल्यूएट करे दोबारा से, a2 को इवैल्यूएट करेगा, वहां पर मोहम्मद अजहर से रिप्लेस कर दिया. अब ये पूरा फंक्शन इवैल्यूएट करेगा, फाइंड फंक्शन, फाइंड स्पेस विद इन दिस टेक्स्ट. ठीक है, जब ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट उसने देखें 9 दे दिया. वाई 9, आप देखें इसके अंदर स्पेस की पोजीशन क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ पोजीशन के ऊपर आपकी स्पेस आ रही है, तो इसने आपको 9 रिटर्न कर दी. ठीक है, अब देखिए आप टोटल लेंथ में से स्पेस तक आप माइनस कर देंगे, यानी 14 में से आप 9 माइनस कर देंगे इस केस के अंदर, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे 5. And that makes it easier for you now कि आपने मोहम्मद अजहर में से last 5 characters उठाने हैं. इसको जब आप evaluate करेंगे आपको ये अजहर final result मिल जाए. ठीक है, so this is how this formula is working. Similarly, it's going to do the same thing for all of these, और ये आपको last names extract करके दे रहा है यहाँ. Any questions on this? Is this clear to everyone? Please say yes if it is. Otherwise, you can ask any questions that you have. Is this clear? Okay, great. Sir, I have a question. Yes. Sir, abhi to humare paas ऐसे दो नेम्स हैं मोहम्मद अजहर, yes. तो इसमें तो आप, लेकिन जब सर मतलब ज्यादा नेम हो जाएंगे, yes. तो हाफिज मोहम्मद वलीद हो जाएगा, और yes. जब हम उसकी जब हम फॉर्मूला में उसकी लेंथ फाइंड करते हैं, जब उसे हम कहते हैं कि स्पेस जो है यहाँ तक जाओ और मुझे उसके बाद के करेक्टर्स दे दो, exactly. तो स्पेस कैसे, इधर तो फिर दो बार स्पेस आ रहा है ना, अगर हम yes. तीन कैरेक्टर्स में जाते हैं, सपोज हाफिज मोहम्मद वली जिसमें दो दफा स्पेस आ रही है, अगर हम उसे स्पेस कहते हैं वो पहली दफा पहले वाला जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और हमें वो देगा मोहम्मद वलीद, यस रिटर्न करेगा, यस तो फिर सर उसमें भी सेम वर्क करेगा फार्मूला, सही है, यस. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो इसके अंदर देखें, इस फंक्शन के अंदर द लिमिटेशन इज यू कैन ओनली हैव टू नेम्स. ठीक है, तो ये फंक्शन हम सिर्फ इस केस के अंदर वर्क कर रहा है, बिकॉज वी ओनली हैव वन स्पेस, यानी दो नेम्स हैं सिर्फ यहाँ पे, ये इस फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क. लेकिन अगर आप जनरल केस देखेंगे जहां पे कोई भी जितने मर्जी नाम हो सकते हैं, उसके अंदर यू विल हैव टू डू समथिंग एल्स. ठीक है, वो हम नेक्स्ट शीट के अंदर देखते हैं. दैट्स फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस, क्योंकि वो एक जनरल केस है. तो उसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि ये स्टेप्स हैं. ठीक है, एंड यू कैन ट्राई टू वर्क इट बैकवर्ड्स कि अच्छा इसको समझना जो है जरूरी है, कि आपको तो समझ आ जाए कि अच्छा फॉर्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है. इवन इफ यू नॉट एबल टू डू इट योर सेल्फ, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज
कि कोई भी आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज करनी होती है ना, इस तरह से कोई फॉर्मूला ऐसा है, कोई फंक्शन ऐसा है दैट यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ, नॉट एबल टू मेक लॉजिक ऑफ. आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या बननी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन थिंग, मैं इसको पहली दफा देखता हूँ कि अच्छा मुझे इसमें से लास्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. I can try to think of a lot of things and let's say I figure out कि अच्छा मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे मेरे से लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है. Now practically whenever you're working somewhere you have to do something. इसमें आप exam condition में तो नहीं है ना, you have to use it at your work. आप कुछ जो है कहीं पे apply कर. Google is a very useful resource. आप इसके लिए कि आप कोई भी, आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी function आपको apply करना है, you just go and search for that and you're going to find some candidate answers to that. आपको कुछ जो है ना कोरा पे कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ और आपको जो है कहीं पे और पे responses मिल जाएंगे. Excel की जो है कुछ help websites हैं, वहां पे आपको कुछ responses मिलेंगे. And a very good, a very key thing that you should be able to do is understanding formulas as well. So it's one thing to write some formula and it's another thing to be able to understand the formula. So kai dafa ye hota hai ki kuch formulas jo hai na itne complex hote hain ki maybe you will not be able to come up with them yourself. Lekin what you should be able to do is कि आप अपनी प्रॉब्लम एग्जैक्ट स्टेट कर सकें. सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट नेम्स, दैट्स द प्रॉब्लम. आप इसको सर्च करें, यू गोइंग टू फाइंड सम पॉसिबल सॉल्यूशंस, और फिर आप उस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने उसको किस तरह से थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल उसने अपने केस के अंदर वहां पे अप्लाई किया होगा, उसके अंदर जो भी उसके सेल रेफरेंसेज आ रहे होंगे आप उनको उठा के यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे तो आपने अपने सेल रेफरेंसेज को अपडेट करना होगा और आप इस पे अप्लाई कर देंगे तो इट्स गोइंग टू वर्क. तो आप बैकवर्ड्स जो है उसको समझना, दिस इज आल्सो अ वेरी यूजफुल स्किल, कि आपके पास फॉर्मूला गिवन हो आप उसको समझ सकें कि उसमें एग्जैक्ट लॉजिक क्या चल रही है, ताकि उसके अंदर आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़े वो आपके लिए पॉसिबल हो, ठीक है. सो इन दिस केस आई वांट टू शो दिस टू यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज I understand it's not going to be easy for you to come up with something like this at this point. Okay, it's fairly complicated. You can look at this formula here. ये आपका एक जो है general case है. यहाँ पे full names आपके पास आ रहे हैं. इसके अंदर किसी के अंदर दो नाम है, किसी के अंदर तीन नाम है, किसी के अंदर पांच नाम है. We can extract the last name from all of these using a function that looks like this. ठीक है. So I found this on the internet myself. ये function है. इसमें of course मैंने कुछ modifications किए हैं to apply in this case. लेकिन this is what it looks like. Now if you really look at it the very first time, it's like कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे. It's fairly complicated. So you have a length function. You have a write function. Write function के अंदर you have concatenated length function, find भी आ रहा है उसके अंदर, substitute भी आ रहा है, length भी पता नहीं दो दफा और use हो रहा है, length के अंदर substitute आ रहा है. So what really is happening here? So you should be able to understand कि अच्छा what is going on. So that's what I'm going to show you here कि यहाँ पे इस function के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है. अच्छा, before we move to that, I see somebody raising their hand. Yeah, Shagufta, you wanted to ask something. Assalamualaikum sir. जी वालेकुम सर. सर मैं जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना सर, मैंने इसे साथ ही अप्लाई किया है, पर जो आपके तो लास्ट नेम शो हो रहे हैं ना सर, पर मेरा लास्ट नेम नहीं शो हो रहा सर. जो फर्स्ट नेम है ना, उसके फर्स्ट जो करेक्टर्स है ना सर, वो रिमूव हो गए हैं सारे नेम्स के, और बाकी सारा शो हो रहा है पर लास्ट नेम नहीं शो हो रहा. मैं आपको पिक्चर भी व्हाट्सएप कर देती हूँ. सॉरी मुझे आप दोबारा बताती हैं, फर्स्ट नेम्स के क्या हो गए हैं? जो फर्स्ट नेम है ना सर, उसके जो फर्स्ट करेक्टर्स हैं ना, जैसे एम ए अहमद यू जेड, वो रिमूव हो गए हैं सर.
और बाकी सारा शो हो रहा है सर उसका। बाकी सारा क्या शो हो रहा है? नेम सर मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। ओके अच्छा लेट्स कम बैक टू दैट इन अ व्हाइल। इस केस को देखें, दैट इज द जनरल केस। अब इसके अंदर आप लॉजिक सोचने की कोशिश करें, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? व्हाई इज द लास्ट फंक्शन नॉट गोइंग टू वर्क हियर? द रीजन इज जब आप यहां पे फाइंड कर रहे हैं ना फाइंड, तो लॉजिक तो वहां पे भी सिमिलर होनी चाहिए कि अच्छा राइट साइड से मैंने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने, ठीक है? अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट नेम के कितने कैरेक्टर्स हैं, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। यहां पे आप लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे? You are finding the position, you are finding the length of the whole name, so that can work there as well, length of the whole name. लेकिन उसमें से आप क्या माइनस कर रहे थे? स्पेस की पोजिशन जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वहां पे, टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द लास्ट नेम। इस केस के अंदर आप ये कर रहे थे। The problem in this case is, जब दो से ज्यादा नाम हो जाते हैं, you can have more than one space, ठीक है? तो जब आप find space करेंगे तो वो क्या करेगा? It's going to return you the position of this first space. हर नाम के अंदर देखें, आप find research function क्या करते हैं, जो भी उनको पहला instance मिलता है वो आपको वो return कर देते हैं by default. आप वो search करना शुरू करेंगे left side से, जो उनको first space मिलेगी वो आपको return करता है उसकी पोजीशन। तो अगर आप यहां पे इसको माइनस करेंगे तो एज उसामा वाज सेइंग, आपके लास्ट नेम के अंदर ये पूरा तारिक मलिक लिखा आ जाएगा। लेट मी जस्ट ट्राई दैट हियर, जो लास्ट वाला फंक्शन था मैं उसको यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पे वो पेस्ट कर दिया, इसको एक्सटेंड करता हूं। दिस इज व्हाट द रिजल्ट वुड लुक लाइक अगर मैं वही फंक्शन यहां पे यूज करता हूं। इफ फर्स्ट नेम के अलावा बाकी सब वो आपको यहां पे दे देगा अगर आप इसके ऊपर वही फंक्शन अप्लाई करेंगे। इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, राइट? इसमें मसला ये आ रहा है वो सिर्फ फर्स्ट स्पेस को देखता है और बाकी सारा आपको रिजल्ट देता है। व्हाट वी वांट इज दिस, जो आपके पास यहां पर आ रहा है। सो द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज, वी एक्चुअली नीड टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द लास्ट स्पेस, नॉट एनी स्पेस, यू नीड टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द लास्ट स्पेस इन दिस नेम। That is what the problem is now. अगर हमें last space की position मिल जाए, the rest is easy. The rest is going to be exactly the same as before. Last space की position मिल गई, तो फिर तो हमने length में से इसकी position को minus करना है, और फिर right function is going to work. ठीक है? So that's what the problem is. कि last space की position हम कैसे find कर सकते हैं? उसके लिए ये सारी complication है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है? Now let's go about this step by step. ठीक है? अब इसमें जो किया हुआ है इस फंक्शन के अंदर किस तरह से ये अप्लाई किया हुआ है, दिस इज हाउ इट्स एक्चुअली वर्किंग। जो यहां पे इस तरह से इधर आपको नजर आ रहे, लेट मी शो इट टू यू स्टेप बाय स्टेप। पहला काम ये क्या कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, देखिए जब भी आप फंक्शन को समझते हैं ना, जब इवैल्यूएट फॉर्मूला जब कर रहे थे, यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट थिंग, जो सबसे पहले चीज जो है अंदर होती है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होती है। ये राइट फंक्शन सबसे बाहर लगा हुआ है ना, तो ये सबसे लास्ट स्टेप होगा। जब अंदर वाली चीजें इवैल्यूएट हो जाएंगे सब, सबसे एंड पे राइट फंक्शन इवैल्यूएट होगा। तो आप जब समझने की कोशिश करते हैं ना कि फॉर्मूला किस तरह से वर्क कर रहे हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड कि अच्छा अंदर से कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वेयर वी स्टार्टिंग। जो मैंने अलग अलग करके यहाँ पे ना, मैंने आपको डिफरेंट सारे जो कॉलम्स है ना, ये सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो किया हुआ है कि वो फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में वो फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स एक्चुअली फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दिस होल नेम। लेंथ फाइंड कर ली पूरी जो हमें चाहिए, ताकि उसमें से हम लास्ट स्पेस की पोजीशन माइनस कर सके। ठीक है? हमने लेंथ फाइंड करके हमने सेव कर लिया, राइट?
उसके बाद जो पहली चीज है ना, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम नंबर ऑफ स्पेसेस फाइंड करना चाह रहे हैं इन एवरी नेम। नंबर ऑफ स्पेसेस फाइंड करने का फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कितने नाम है। अगर एक स्पेस है तो वो दो नाम होंगे, अगर दो स्पेसेस हैं तो वो तीन नाम होंगे, अगर लेट्स से यहाँ पे चार स्पेसेस हैं तो वो पांच नाम होंगे। सो जितने भी स्पेसेस होंगी उससे एक ज्यादा आपके पास ये वर्ड्स होंगे उस नाम के। अब नंबर ऑफ स्पेसेस फाइंड करने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले ये करते हैं स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं नाम के अंदर से। नाम के अंदर से स्पेसेस को रिमूव कर दिया, उसका तरीका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। राइट, सब्स्टिट्यूट फंक्शन में क्या किया कि जहां भी स्पेस है उसको इससे रिप्लेस कर दिया, इनवर्टेड कॉमास के अंदर आपने कुछ भी नहीं रखा तो उसने आपको स्पेसेस रिमूव कर दी। तो स्पेस की जगह आपने ये ब्लैंक कर दिया तो उस स्पेसेस को उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इसकी लेंथ फाइंड कर लें, लेंथ आफ्टर रिमूविंग स्पेसेस वो क्या है, दैट इज 13। तो आप इनिशियल लेंथ से लेंथ आफ्टर रिमूविंग स्पेसेस माइनस कर देंगे तो वो आपको बता देगा नंबर ऑफ स्पेसेस आपके पास इस वर्ड के अंदर कितनी है। ठीक है, ये मिल गई नंबर ऑफ स्पेसेस, ये आपके पास यहाँ पे आ गई इस कॉलम के अंदर। ये सब कुछ यहाँ पे इस एक सेल के अंदर हो रहा है, जो पूरा फॉर्मूला है मैं आपको एंड पे बताऊंगा ये किस तरह से लिंक है उसके साथ। ये सब चीज इस फॉर्मूला के अंदर, ये जो सारे कॉलम्स हैं ये उस एक सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अलग अलग शो किया हुआ है। सो नंबर ऑफ स्पेसेस फाइंड कर लिए, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज वॉट द ट्रिक इज, जब आपको नंबर ऑफ स्पेसेस पता चल गई तो रिमेंबर जितनी भी स्पेसेस हैं, अगर वन स्पेस है तो हमें फर्स्ट स्पेस की पोजिशन चाहिए, अगर टू स्पेसेस हैं तो हमें बेसिकली सेकेंड स्पेस की पोजिशन चाहिए है ना, ताकि उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सके लेंथ में से। अगर फोर स्पेसेस हैं तो हमें एसेंशियली फोर्थ स्पेस की पोजीशन चाहिए। राइट, अगर आपके पास थ्री स्पेसेस हैं तो हमें थर्ड स्पेस की पोजीशन चाहिए, जो भी लास्ट स्पेस है उसकी पोजीशन हमें चाहिए। राइट, अब उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करें, क्योंकि सर्च या फाइंड फंक्शन तो आपको हमेशा पहला इंस्टेंस की पोजीशन बता देता है। अब इसके अंदर इसको हम कहते हैं एक जुगाड़ हमने लगाई है यहाँ पे, एंड दैट इज कि जो लास्ट स्पेस है उसको हम किसी और लेटर, किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, कोई भी और कैरेक्टर जो मतलब यूनिक कैरेक्टर हो, जो वैसे आपको पता है कि टेक्स्ट के अंदर नहीं आएगा। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेस को रिप्लेस कर रहे हैं विद व्हाट, विद दिस कैरेक्टर टिल्डा। ओके, हम पता है नामों के अंदर टिल्डा तो नहीं आएगा कहीं पे भी, तो हमने ऐसा कैरेक्टर यूज करना है जो कहीं पे और यूज नहीं हुआ। ठीक है, टिल्डा यूज कर लिया, एंड देन वी आर यूजिंग दिस इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर में हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ स्पेसेस वाला जो आ रहा है सेल, इसको रेफरेंस, इसको रेफर कर देते हैं वहां पे। इसका क्या फायदा होगा, जब यहाँ पे फोर स्पेसेस हैं फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर ऑफ इंस्टेंस इंस्टेंस नंबर में यहाँ पे फोर आ जाएगा। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करेगा, फोर्थ इंस्टेंस ऑफ स्पेस को टिल्डा से रिप्लेस कर देगा, यानी फोर्थ स्पेस को टिल्डा से रिप्लेस कर देगा। इसी तरह इस केस के अंदर सेकंड स्पेस को टिल्डा से चेंज कर देगा, इसके अंदर हर केस के अंदर आपके पास लास्ट जो स्पेस होगी उसको उसने टिल्डा से रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास ये पोजीशन होगी नाम की, नामों की, तो जो भी देखें लास्ट स्पेस है हर जगह पे वो टिल्डा से रिप्लेस हो गई। ठीक है, आई होप यू कैन यू यू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट स्पेस को हमने हर केस के अंदर टिल्डा से रिप्लेस कर दिया। वंस यू आर डन विद दिस, द रेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस शीट। जब आपको स्पेस की बजाय टिल्डा मिल गया है ना, अब काम आसान हो गया।
अब आपके पास वही तरीका है, आप क्या करेंगे, आप टिल्डा की पोजीशन फाइंड कर लेंगे. नाउ इट्स इजी बिकॉज टिल्डा तो सिर्फ एक है हर हर एक के अंदर. लास्ट स्पेस को टिल्डा से रिप्लेस किया था तो टिल्डा सिर्फ एक है, टिल्डा की पोजीशन आप फाइंड कर लेंगे. उसको यूज करके आप क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से टिल्डा की पोजीशन माइनस कर दें तो आपके पास लास्ट नेम की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, वही जो हमने पहले भी किया था, टोटल लेंथ में से टिल्डा की पोजीशन को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास लास्ट नेम की लेंथ आ गई. लास्ट नेम की लेंथ आ गई, आपने सिर्फ राइट फंक्शन अप्लाई करना है और आपके पास वो लास्ट नेम आ जाएगा. Does it make sense? Any confusion on any of these steps? If you're clear on this, we can go back to the formula and try to see के वहाँ पे formula के अंदर किस तरह से applied है. So any confusions here? किसी step के अंदर आपको problem आई हो? Let me know. Anyone? ये clear है? Say yes if it's clear. Okay, great. How do you अच्छा tilde आपके होता है so it may be different depending on the keyboard. मेरे पास जो आ रहा है ऊपर जो आपके पास numbers आते हैं ना 1, 2, 3, 4 वन के साथ left side पे देखें आपके पास tilde बनाएगा. तो वो क्योंकि ऊपर बना हुआ है मेरे पास, तो मैं shift press करके उस button को press करूंगा तो वो हो जाएगा. तो इसके मेरे पास एस्केप के नीचे आ रहा है टिल्डा बना हुआ और वो शिफ्ट के साथ में वो करूंगा तो आई कैन टाइप दैट. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वही यूज करें, आप कोई ऐसा कोई भी और कैरेक्टर यूज कर लें जो आपको पता है कि यूनिक होगा. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज दीज कैरेक्टर्स, जो मैं चार्ट में लिख रहा हूँ, यू कैन यूज दिस कैरेक्टर, एनीथिंग दैट यू थिंक is not going to be there in the names. किसी ऐसे कैरेक्टर से आपने replace कर. ठीक है, अच्छा now let's come back to this cell जहां पे एक ही cell के अंदर वो formula पूरा है and try to see what really is happening here. फिर से evaluate formula में जाता हूँ, आपको पता चलेगा उससे. In the meanwhile, Shagufta, आप मुझे please वो जो picture है वो WhatsApp कर दें. That's going to be easier rather than sending here. Please मुझे WhatsApp पे send कर दो. ठीक है? I'll have a look at that as well. Sir, मैंने कर दी हुई है group में. अच्छा ठीक है, सही है. Thank you. Okay, so यहाँ पे let me go to formulas and evaluate formula. Evaluate formula के अंदर I can look at this now. So मैं evaluate पे क्लिक करता हूँ. देखें first step उसके अंदर A2 के नीचे dash है, evaluate करेंगे आपके मोहम्मद अजहर आ गया इसकी जगह. ये A2 evaluate हो रहा है, उसके बाद ये evaluate हो गया. Length of मोहम्मद अजहर, ठीक है, या बस length evaluate होगी. देखें first step के अंदर जो हमने यहाँ पे ये किया था, ये length आपके पास 14 आ गई ये फर्स्ट स्टेप के अंदर. ठीक है, उसके बाद ये वाले A2 इवैल्यूएट कर रहे हैं. इज दिस विजिबल टू एवरीवन बाय द वे? और शुड आई इंक्रीज द साइज? लेट मी जस्ट इंक्रीज इट अ बिट टू मेक इट इजीियर. सो देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर A2 इवैल्यूएट होगा, ये A2 की जगह मोहम्मद अजहर लिखा आ गया. उसके बाद ये A2 underlined है, चलिए ये भी evaluate हो गया. अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, length of मोहम्मद अजहर यहाँ पे भी evaluate कर रहे हैं क्योंकि वो आगे subtract करनी थी उसमें से. अच्छा वो evaluate हो गई, ये देखें यहाँ पे भी एक 14 आ गया. ठीक है, ये A2 evaluate हो रहा है, ये मोहम्मद अजहर आ गया इसकी जगह पे. अब ये देखें सब्सटीट्यूट फंक्शन. सब्सटीट्यूट फंक्शन क्या कह रहे हैं, ये वो सब्सटीट्यूट फंक्शन है जो इसको कर रहा था स्पेसेस को रिमूव कर रहा था. ठीक है, स्पेसेस को रिमूव कर रहे ताकि फिर हम नंबर ऑफ स्पेसेस फाइंड कर सके. ठीक है, इस पे किया
ये स्पेसेस को रिमूव कर दिया, इसकी लेंथ फाइंड की रिमूव स्पेसेस करके, या बस रिमूव स्पेसेस की लेंथ आ गई। तो इनिशियल लेंथ में से लेंथ आफ्टर रिमूविंग स्पेसेस माइनस कर देंगे, या आपके पास नंबर ऑफ स्पेसेस आ गई। नंबर ऑफ स्पेसेस आपने कहां पे जाके इनपुट किया, इस वाले सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर जिसमें आपने लास्ट स्पेस को टिल्डा से रिप्लेस कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ स्पेसेस वाला जो नंबर था दैट्स गोइंग टू बी योर इंस्टेंस नंबर, ठीक है, ये आपने किया इसके ऊपर, लास्ट जो भी स्पेस थी वो टिल्डा से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टिल्डा की पोजिशन फाइंड करेंगे, फाइंड को यूज करके, या बस टिल्डा की पोजिशन आ गई दैट इज 9, टोटल लेंथ ऑफ द नेम से आपने टिल्डा की पोजिशन माइनस कर दी, आपके पास लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या लेंथ आ गई 5 आ गया। राइट फंक्शन अब क्या करेगा, इस नाम के अंदर से लास्ट 5 कैरेक्टर्स उठा के आपको रिटर्न कर देगा, ये आपके पास अजर उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। यू कैन ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन, या आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला उसके अंदर गिवन है, आप यही इवैल्यूएट कर आप कोशिश करें सैयद मोहम्मद हैदर अली शाह के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो किस तरह से वहां पे हाउ इट्स वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो भी जरूर देखें, ठीक है। सो हैव अ लुक एट दैट एंड या सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट लेटर ऑन व्हेन यू हैव टाइम। फॉर नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू दिस स्टेप हियर। Now we're going to move on to something else. Unless you have any more questions here, Mr. Gupta, a question answer कर दूँ उससे पहले. अच्छा. Mr. Gupta, there's some problem with the formula that you've written. So just make sure this is exactly what you have there. आपके पास यही formula है exactly? इसके अंदर कुछ different है? मुझे 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 आपके फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। शगुफ्ता कैन यू वेरीफाई? सर यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है सर, मैंने पिक्चर भी भेजी। नहीं लेकिन उसमें फॉर्मूला नहीं मुझे नजर आ रहा है पिक्चर में, तो सिर्फ आपके रिजल्ट आ रहे हैं। सर मैंने भेज दी है फॉर्मूला की भी पिक्चर। अच्छा, सो इट सेज राइट A2, okay, length of A2 minus find, आपने देखे find के अंदर space तो किया नहीं हुआ, find के अंदर ये inverted commas के अंदर space होना चाहिए ना, एक space find करनी है आपने, आपने जगह आपने सिर्फ दो inverted commas डाल दिए। Is that clear? Yes, sir, thank you. ये किया होगा, इसमें स्पेस चाहिए आपको। Okay, so have a look at this. I understand it's not to be easy to understand the very first time. So इसलिए मैंने सारे already ये करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है। So you can have a look at it in your own time and try to see के यहाँ पे क्या हो रहा है। So you see किस तरह से ये text functions use करके you can do all this manipulation like this or It saves you a lot of time. For आप देखें आपने बहुत बड़े डेटा सेट के अंदर कुछ इस तरह का कुछ सिमिलर करना हो, नॉट नेसेसरली ऑन द नेम्स बट इट कुड बी एनीथिंग एल्स, इसके अंदर आपने कुछ और एक्सट्रैक्ट करना हो, दिस दीज फंक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, ठीक है। आप मैनुअली कुछ भी करने के बजाय दीज फंक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इफ यू कांट फिगर आउट समथिंग फॉर योरसेल्फ, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू जस्ट गो देयर, ट्राई टू लुक फॉर अ सॉल्यूशन, यू विल गेट सम ऑप्शंस, यू ट्राई टू implement it, you try to understand what is happening there and try to implement it. So understanding how functions work is also a very key skill, so you should try to practice that as well. Acha, now we're going to move on to this next sheet. Yak bas kuch data iske andar pada hua hai. So we're done with functions, we're not going to do any more functions unless so there's one more function function that we left earlier jo main aapko bata deta hu abhi very quickly, that's generally useful
जब आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप के पास कुछ एरर्स आ सकते हैं फंक्शन के रिजल्ट के अंदर, एंड इंस्टेड ऑफ एरर्स यू वांट टू शो समथिंग एल्स. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नाम, यहाँ पे लेट्स से या इनफैक्ट लेट्स से फॉर दीज नेम्स आई हैव देयर मार्क्स इन अ इन सम सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट लेट्स से यहाँ पे मस्ट गिवन है. ओके ठीक है. सो लेट्स से दीज मार्क्स, दीज आर मार्क्स, लेट्स से दीज पीपल गेव सम सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट, दीज वर देयर रिजल्ट्स. नाउ I could use a VLOOKUP formula to extract, let's say, the results of some of these people. So let's say Uzair, Abdullah. Let's say I have another person called Ahmed. Okay, so we've got these three names. And what we want to do is, we want to extract their scores, their marks, from the above table. ठीक है, इसका आप सबको पता है क्या करते हैं. We can use the VLOOKUP formula, the VLOOKUP function. VLOOKUP में क्या करेंगे, lookup value क्या जाके सर्च करना है आपको, ये सेल सर्च करना है ऊपर जाके किस टेबल के अंदर, इस पूरे टेबल के अंदर. ठीक है, इस टेबल को हमने फिक्स कर दिया. कौन से कॉलम से आपने वैल्यू उठानी है, इस टेबल के थर्ड कॉलम से, दैट इज दिस मार्क्स कॉलम. तो आप थ्री लिख दें यहाँ पे, एंड यू वॉन्ट एन एग्जैक्ट मैच, तो आपने यहाँ पे फॉल्स. ठीक है, दिस इज हाउ द VLOOKUP फॉर्मूला वर्क्स. वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट इन दिस. वी एंटर, हमारे पास उज़ैर अहमद के मार्क्स यहाँ पे शो हो गए, व्हिच आर 24. इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, वी गेट 32 हियर, बट वी गेट एन एरर लाइक दिस हियर, व्हिच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज यहाँ पे अहमद बिलाल तो कहीं पे आ ही नहीं रहे. राइट नाउ what I want to do is, I don't want to basically have an error in my table like this. Okay, so let's say what I want to do is, if somebody is not in this list, let's say that means ke wo us test mein absent the, so I need to put something else instead of their marks there. So let's say I want to put A here representing absent. Main yahan pe A dalna chahta hu, ए लिखना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस. तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन रैप दिस VLOOKUP इनसाइड अनदर फंक्शन दैट्स कॉल्ड एरर. इट्स अ वेरी यूजफुल फंक्शन. जब आप कोई कॉम्प्लेक्स कोई स्प्रेडशीट डिजाइन कर रहे होते हैं या कोई बड़ा डेटा है जिसके अंदर आपने कुछ अप्लाई करना है, यू आर बाउंड टू गेट सम एरर्स इन सम कॉलम्स. कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं, उसकी वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं. So you use this if error formula, if error function, to basically specify a value. कि अच्छा अगर error आ जाए ना तो उसकी जगह ये value डाल दें. आप error नहीं लिखे वहां पे इसकी जगह ये value input कर. ठीक है, तो देखिए if error के अंदर दो arguments हैं. One is the value. Value क्या है, जो भी आपने अंदर input करना है वो आप मतलब default आपका input आपका ये है, that's the value. The second argument is value if error. यानी कि जो आपने पहले ये जो function लिखा है, जो पहले value लिखी है, अगर इसके अंदर error आ जाता है, उस case में आप क्या करें, आप कुछ और यहाँ पे input कर दें. आप कहें मुझे इस case के अंदर यहाँ पे a लिखना है, अगर error आता है तो मैं a type करना चाहता हूँ. ठीक है, you can write a, you can write zero, it's your choice depending on what you want. ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये हमारा इफ एरर फंक्शन. इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर रिजल्ट्स. यहाँ पे भी आपको पहले रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन जहां पे एरर आ रहे हैं उस केस में क्या करेगा, उस एरर को रिप्लेस कर देगा विद समथिंग एल्स. सो ए से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट्स वन पॉसिबिलिटी. ए के बजाय वी कैन आल्सो रिप्लेस इट विद अ जीरो. उसने मिस कर दिया टेस्ट, ऑफ कोर्स ही गेट्स जीरो मार्क्स फॉर दैट. ये कर दिया तो उसको एक्सटेंड किया, get a zero here. So this is another function that was in my mind, in my list as well, that I wanted to show you. आप ये if error function को
बाहर लगा देते हैं आउटसाइड योर फंक्शन जस्ट टू इंश्योर कि अगर वो फंक्शन आपको एरर दे दे तो उस केस में आप उस एरर की बजाय कोई और वैल्यू जो सूटेबल है आपके लिए वो आप वहां पर डाल दो. ठीक है एंड इट वर्क्स लाइक दिस. एनी क्वेश्चंस हियर? इट्स सबको क्लियर है? Yes. Okay, great. So I'm going to leave here for a minute. Leave this screen for a minute, just for you to understand. We'll take 1 minute break and then we'll move on to something else. Okay, so if it's clear, if there are no further questions, let's move to this next sheet here. That's this Titanic data. So this is actual data from that Titanic incident. It's not complete, but it's a subset of that data. So in this data, we've got about 891 rows, 891 rows आ रही हैं आपके पास इस डेटा के अंदर. Each of these rows represents one passenger. So first row can the first passenger, second row can the second passenger, and so on. And horizontally you have information related to that particular passenger. So first passenger, second passenger, third passenger, and so on. Second column survived. So if it's a zero, that means they did not survive. Yani ke they died. If it's one, that means that they survived and were able to come out alive. We have passenger class. Ship ke andar teen passenger classes. These ke andar first class, second class, and third class. This represents which class, which passenger class they were sitting in. Each passenger was sitting in. It's their name, their gender, their age. We have two of these variables. Ye variable hai basically sibling spouse. Iska matlab hai ki the number of siblings or spouses traveling with this particular passenger. Theek hai, so one bhi ho sakte hain, zero bhi ho sakte hain, three ho sakte hain, number of siblings and spouses total. Kitne travel kare hain unke saath. This is parents or children. So number of parents or children traveling with that particular passenger. This is the ticket number, the fare that they paid, the cabin number. We have some missing values here. In sub ke andar, kuch missing values hai because real data sets ke andar. This is mostly what it is like. Ki aapke paas sub information available nahi hoti, kuch aapke paas missing information. So we don't have complete information here about the cabin. Embarked is under, you've got three options. I'm not sure if it's three or two. Yeah, it's three options here. So it shows different ports, different locations, say, let's say, on an A. Is journey ko join kiya tha. And these letters represent those locations jahan se wo ship mein baithe the. S, C, Q, ye teen different locations thi.
these represent something. I don't exactly know what those are. So this is what it looks like. ठीक है, this यहाँ तक जो data आ रहा है आपके पास I column तक, ये आपके पास actual data है. उसके बाद ये जो age bracket और fair bracket और ये cabin letter ये जो है, ये मैंने खुद से variables create किए हैं कुछ. For example, age यहाँ पे variable था, age variable को use करके मैंने कुछ brackets में convert कर दिया कि 20 to 29 age bracket, 30 to 39 age bracket. ठीक है, ये मैंने column खुद से create किया एक variable. फेयर ब्रैकेट जो फेयर पे कर रहे थे उसको मैंने कुछ इस तरह से इन ब्रैकेट्स में जो है कर लिया. फॉर एग्जांपल फेयर अगर 0 से 25 है उसको मैंने एक ग्रुप बना दिया, 50 टू 75 उसको दूसरा ग्रुप बना दिया, 50 टू 25 टू 50 है उसके एक और ग्रुप बना दिया, एंड सो ऑन. ठीक है, कैबिन लेटर जो कैबिन है यहाँ पे अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सी लिख दिया है, अगर ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई लिख दिया है, जी से स्टार्ट हो रहा है तो जी लिख दिया है, एंड सो ऑन. ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग दीज वेरिएबल्स. आई एम श्योर जितना हमने कर लिया आप देख सकते हैं. एज वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं, आप इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेस्टेड इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं कि अच्छा अगर वो 20 से लेकर 29 तक हो तो आप ये वैल्यू ये लिखते हैं वहां पे, अगर 30 से 39 हो तो ये आप लिखते हैं. सो यू कैन बिल्ड एन इफ फंक्शन फॉर दिस. सिमिलरली फॉर फेयर ब्रैकेट, कैबिन लेटर के अंदर अभी हमने टेक्स्ट फंक्शंस जो है पढ़े हैं. सो कैबिन लेटर ये वेरिएबल क्या आपने क्रिएट करना और कैसे कर सकते हैं, एनी आइडिया? कैबिन आपके पास गिवन है, आपने कैबिन लेटर एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो आपको सिर्फ ये फर्स्ट लेटर यहां से एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है कैबिन के अंदर से. सो वेरी सिंपल फंक्शन, क्या यूज करेंगे आप टू क्रिएट दिस, एनी आइडिया? कौन सा टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं टू extract c from c85? We can use the left function, right? So aap yahan pe kya kar sakte hain, left function kahan pe apply kare, is cell ke upar number of characters aapko first character chahiye sir, ye aapne enter kar diya. Theek hai, yahan pe to empty hai, wahan pe empty return kar dega, otherwise aapko wo first letter return kar dega like this. Theek hai, to aap ye use kar sakte hain. ठीक है, सो ये कुछ आपको वेरिएबल्स आ रहे हैं. व्हाट आई वांट टू डू टुडे इज टू जस्ट क्विकली शो यू सम फिल्टरिंग ऑप्शंस और सॉर्टिंग ऑप्शंस जो हमने पहले भी की हुई है वैसे तो, बट हमने बहुत क्विकली उसको देखा था फर्स्ट सेशन में. नाउ आई वांट टू लुक एट बोथ टाइप्स हियर. टेक्स्ट कॉलम्स भी यहाँ पास हमारे पास यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक के कॉलम्स भी हैं. सो वी वांट टू सी हाउ वी कैन अप्लाई दोस डिफरेंट थिंग्स हियर. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हैव अ लुक एट लेट्स से एज के ऊपर. इसके लिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड यू टू डू फर्स्ट इज कि आप पूरे के ऊपर एक ये फिल्टर अप्लाई कर दें. डेटा के आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ऊपर जाएंगे डेटा टैब के अंदर फिल्टर पर क्लिक कर दें. ठीक है, या बस ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना देगा हर कॉलम के ऊपर लाइक दिस. ठीक है, अभी ड्रॉप डाउन से यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स. आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, आप इनको फिल्टर भी कर सकते हैं, आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं. ठीक है, अब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ये एज को देखें. यू कैन सॉर्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, यू कैन सॉर्ट स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अगर आपने कोई कलर्स डिफरेंट रखे हुए हैं सेल्स के तो आप सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इफ यू वर टू फॉर एग्जांपल सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देखिए आपने स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट यहाँ पे कर दिया, तो इट्स शोइंग यू द यंगेस्ट पीपल फर्स्ट एंड देन इट गोज ऑन फ्रॉम देयर. जो ओल्डेस्ट लोग हैं वो सबसे एंड पर आ रहे हैं, एंड देन यू हैव सम ब्लैंक्स. ब्लैंक्स का मतलब है इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उसने एंड पर वहां पर. ठीक है, दिस इज वन वे टू स्टार्ट दिस. ये पॉइंट्स में आ रहे हैं, दैट मींस दीज आर इन्फेंट्स लेस देन वन ईयर ओल्ड, इसलिए उनका डेटा थोड़ा इस तरह का आ रहा है यहाँ पे. सिमिलरली यू कैन सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो सबसे एजेड लोग हैं वो ऊपर आ गए, एंड देन वी गोइंग द अदर वे, गोइंग डाउन फ्रॉम देयर. ठीक है, सो दिस इज वन वे टू सॉर्ट दिस. अच्छा, बैक उस पर आज ओरिजिनल पोजिशन पे पैसेंजर आई डी पे सॉर्ट कर देते हैं. तो दिस वॉज द ओरिजिनल सिचुएशन. ठीक है, नाउ लेट्स से व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सॉर्ट इट लाइक दिस.
मेल्स और फीमेल्स ये मेरे पास इकट्ठे आ रहे हो, इकट्ठे एज इन पहले मेरे पास सारा फीमेल्स का डेटा आ रहा हो लेट्स से, और उसके बाद मेरे पास सारा इकट्ठा मेल्स का डेटा आ रहा, और फिर उनके अंदर वो एज वाइज एज के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड हो. डज दैट मेक सेंस? पहले मेरे पास सारी सिर्फ फीमेल्स आ रही हैं, फिर मेरे पास सारी सारे मेल्स आ रहे हैं. ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो सॉर्टिंग हो वो भी एज के अकॉर्डिंग हो, और मेल्स के अंदर जो सॉर्टिंग हो वो भी एज के अकॉर्डिंग हो. इसको हम कहते हैं मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग. ठीक है, मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग के एक कॉलम सॉर्टेड है, उसके अंदर जो चीजें उसके अंदर एक और कॉलम भी सॉर्टेड है. राइट, सो लेट मी राइट डाउन हियर. तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले जेंडर पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर जेंडर के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एज पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं. सो जेंडर, फीमेल फर्स्ट, एज असेंडिंग ऑर्डर, ये हम करना चाह रहे हैं. अच्छा, राइट साइड पे जो पिक्चर आ रही है ना, दिस इज ये जो सॉरी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, दीज आर जस्ट दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दोज वेरिएबल्स दैट्स देयर. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस कि वो वेरिएबल का मतलब क्या है. तो रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि फीमेल्स पहले आए सिर्फ, फीमेल्स के अंदर फिर एज वाइज सॉर्टिंग हो. तो पहला लेवल आपका जेंडर है, दूसरा लेवल आपका एज है, इस तरह से आपने सॉर्ट करना है. इसका तरीका क्या होता है कि जो आपका सबसे नीचे वाला लेवल है ना, एज वाला, इस केस के अंदर उस पे आप पहले सॉर्ट करें. तो आप पहले कर दें इसको सॉर्ट बाय एज, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है, ये हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया सबको लाइक दिस. एज हो गया सॉर्ट लाइक दिस. नाउ मेल्स और फीमेल्स तो यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं, कई पहले मेल्स है, फीमेल है, फिर मेल है, फिर फीमेल है, इस तरह से आ रहे हैं. तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब आप जेंडर पे सॉर्ट कर लें, जेंडर पे सॉर्ट कर दें. यू वांट फीमेल्स फर्स्ट, तो एफ पहले आता है एम से, तो आप इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सॉर्ट ए टू जी. अब इसको सॉर्ट ए टू जी कर. अब देखिए क्या हुआ है, पहले आपके पास सारा देखें फीमेल्स का डेटा आ रहा है. सो इफ आई वांट टू गो डाउन लाइक दिस, अब देखें सारे फीमेल्स यहाँ पे पहले आ रहे हैं, उसके बाद मेल्स का डेटा. एंड इनसाइड दैट आप देखें फीमेल्स के अंदर भी एज वाइज सॉर्टिंग है. देखें किस तरह से जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट एज से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, और एंड पे फिर ब्लैंक्स आ रहे होंगे फीमेल्स के, फीमेल के अंदर उसी तरह से ऊपर जाके देखिए एंड पे ब्लैंक्स आ रहे हैं. ठीक है, एंड देन यू हैव डेटा फॉर मेल्स, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू एज वेल, और ये इस तरह से इंक्रीज करे. इसको हम कहते हैं मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग. तो ये दो कॉलम्स के ऊपर सॉर्टेड है, इवन दो आपको अभी सिर्फ लग रहा है कि देखिए यहाँ पे जो एरो बना होता है ना, जब ड्रॉप डाउन के ऊपर एरो आ जाता है इस तरह की, उसका मतलब होता है कि इस कॉलम के ऊपर सॉर्टेड है. ठीक है, सो मेन जो कॉलम जिसके ऊपर सॉर्टेड है वो तो जेंडर ही है, that's the last thing that you sorted on. लेकिन उसके अंदर वो फिर एज के ऊपर भी सॉर्टेड है, बिकॉज आपने उसके ऊपर पहले सॉर्ट कर दिया था. ठीक है, now let's say I want to do it differently. I want to do it like this कि अच्छा नहीं, मुझे थ्री लेवल सॉर्टिंग करनी. ठीक है, जेंडर ऊपर आ गया सबसे पहले, okay fine. Then we have passenger class. पैसेंजर क्लास पे सॉर्टिंग करनी है, और पैसेंजर क्लास के अंदर भी हमें एज पे सॉर्टिंग करनी है. दिस इज थ्री लेवल सॉर्टिंग, इसको भी हम असेंडिंग में कर देते हैं. पहले फर्स्ट क्लास आ जाए, फिर सेकंड क्लास आ जाए, फिर थर्ड क्लास आ जाए. ठीक है, अभी थ्री लेवल सॉर्टिंग होगी. सबसे ऊपर जेंडर, उसके अंदर पैसेंजर क्लास पे सॉर्टिंग, उसके अंदर एज के ऊपर सॉर्टिंग. सो द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम, जो सबसे लास्ट लेवल होगा सॉर्टिंग का उसको हमें सबसे पहले सॉर्ट करना है. So, क्या करेंगे, सबसे पहले एज पे सॉर्ट कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वी गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, सेकंड पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास को सॉर्ट कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके फाइन. अब देखिए पैसेंजर क्लास में
अब सबसे बड़ा लेवल इस पॉइंट पे हमने अप्लाई किया हुआ है वो पैसेंजर क्लास है। देखिए पैसेंजर क्लास सारी 111 पहले आ रहे हैं, उसके बाद 222 वाले आएंगे, उसके बाद 333 वाले आएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ थर्ड जो सबसे टॉप लेवल था दैट वाज जेंडर। अब जेंडर में स्टार्ट कर देते हैं ए टू सी। नाउ व्हाट वी वांटेड टू डू हैज बीन अचीव्ड। सबसे पहले जेंडर पे सॉर्टेड है फीमेल्स, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर आपको सबसे पहले पैसेंजर क्लास वन वाले पैसेंजर वाली फीमेल्स आ रही, ये सारी वन वाली पहले आ रही, और फिर उसके अंदर भी एज के ऊपर सॉर्टेड है। पैसेंजर क्लास वन के अंदर जो सबसे छोटा सबसे जो कम एज वाली जो फीमेल थी दैट वाज 2 ईयर ओल्ड, उसके बाद इट वाज 14 ईयर ओल्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थ्री लेवल सॉर्टिंग कर दिए, पहले फीमेल, उसके बाद पैसेंजर क्लास वन वाले पहले आ रहे हैं, फिर वन के अंदर भी आपने एज के ऊपर सॉर्ट किया हुआ, तो एज पे देखिए ये इंक्रीज कर रही है, यहाँ तक नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, फिर ब्लैंक्स आ गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, सेकेंड पैसेंजर क्लास शुरू हो गई है, फिर वो दोबारा से एज उसी तरह सेंडिंग ऑर्डर में चलती जाएगी अंटिल दिस पॉइंट जहां पे थर्ड पैसेंजर क्लास स्टार्ट होगी। ये भी एजेस आना शुरू हो गई है इसकी, ये भी थर्ड पैसेंजर क्लास भी खत्म हो जाएगी, नीचे ब्लैंक्स भी आ रहे हैं, ब्लैंक एजेस भी आ रही है, कुछ जो मिसिंग डेटा है। यहाँ पे आपका फीमेल्स खत्म हो गए, देन यू हैव मेल स्टार्टिंग हियर, उनकी फर्स्ट पैसेंजर क्लास, उनकी एजेस सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग, ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनी प्रॉब्लम्स हियर, एनी इश्यूज हियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Does it make sense? Yes? Any problems? Okay, good. So this is how you can sort in data sets like this. ठीक है। अच्छा देखें, हम सॉर्ट करते हैं आपका पूरा डेटा, देखें उसके साथ मूव करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसी कॉलम को मूव को सॉर्ट कर दिया, उसके सारी इंफॉर्मेशन उस रो के अंदर उसके साथ साथ मूव करती है ऑफकोर्स, बिकॉज अगर पैसेंजर जो है वो पैसेंजर 298 सबसे ऊपर आ गई है तो ऑफकोर्स उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी उसके साथ ही ऊपर आ गई है, राइट। सारी इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है। सो दिस इज आवर सॉर्टिंग वर्क्स। नाउ फिल्टरिंग हमने पहले भी कुछ देखा हुआ है, अगर हमें नंबर्स के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक चीज ये कर सकते हैं, एज के अंदर लेट्स से हम सिर्फ वो लोग देखना चाहते हैं जहाँ पे हमें एजेस जिनकी पता है कि हमने एज पे कोई एनालिसिस करना है, हमें ब्लैंक एजेस आ रही हैं, दे आर नॉट रियली यूजफुल फॉर अस, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये करके सबसे नीचे जाए या कुछ ब्लैंक्स आ रहे हैं जिसको हम अनचेक कर दें, तो हमारे पास ब्लैंक वाले डेटा जो है वो आपके डेटा से एक तरह से गायब हो गया। सो हमने कुछ एनालिसिस करना है इसके ऊपर, तो वी कैन ओनली यूज दिस इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अवेलेबल हियर अदर देन दोज ब्लैंक सेल्स, ठीक है। इसी तरह आप किसी के ऊपर भी कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो एज के ऊपर ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है, इसके ऊपर आपको आप देख सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। एक तो तरीका होता है कि आप मैनुअली फिल्टर अप्लाई करें, जो मैंने अभी किया यहाँ पे, आप एक एक वैल्यू जो आपकी वैल्यू चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लें, जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको आप अनचेक कर दें, ठीक है। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दिस, मैनुअली आप एक एक वैल्यू यहाँ पे जो आपको नहीं चाहिए वो निकाल दें, दैट्स जनरली डूएबल जब आपके बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हों, ठीक है। बस 5-10 वैल्यूज हैं, उनमें से आपने कुछ रखना है कुछ निकालना है, दैट्स डूएबल। बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं लाइक इन दिस केस, it's generally more useful to use these number filters here, जहाँ पे हम ये सारी commands use कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी दिखाई हुई है in one of our first few classes. आप ये conditions apply कर सकते हैं, right? Equals something, equals a specific number, does not equal a specific number, greater than a specific number, age आपकी age का भी filter है ना, आप सिर्फ वो filter apply कर सकते हैं, for example कि I only want to look at those people, those passengers who are aged more than 40, ठीक है।
मैंने इसको फिल्टर लगा दिया, अब आई एम ओनली गोइंग टू सी दैट डेटा जो 40 से ऊपर जिनकी एज है, ओनली दोज पैसेंजर्स हु आर एज्ड मोर देन 40. ठीक है, ये फिल्टर अप्लाई हो गया उसके ऊपर. सिमिलरली यू हैव ऑल दीज अदर ऑप्शंस दैट यू कैन ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट ऑन, greater than or equal to, less than or equal to, between. And you have top 10. Top 10 is tarah ki cheez main aapko pehle dikhai thi. You can change it to top 5, top any number, any specific number. Aur aapko wo, for example, top 15 yahan pe karta hu, to wo kya karega? It's going to show me the 15 people who were the most senior, the most aged. ठीक है, टॉप 15 से आपको आ गया. ऑफकोर्स यहाँ पे इट माइट मेक सेंस, लेट्स से मैं अभी देखना चाहता हूँ वहाँ पे टॉप की बजाय आई वांट टू लुक एट, लेट्स से टॉप को मैं चेंज करके यहाँ पे बॉटम भी कर सकता हूँ, बॉटम कर दिया, बॉटम 15. सो दैट मींस आई वांट टू लुक एट द एजेस ऑफ द यंगेस्ट 15 पीपल ऑन दिस शिप. ठीक है, आई कैन क्लिक ओके हियर. दीज आर द यंगेस्ट 15 पीपल ऑन दिस शिप. ठीक है, अब दिस आर एक्चुअली नॉट 15 एग्जैक्टली, बिकॉज़ उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जब वो 15 वो प्रॉब्लम जब सेलेक्ट कर रहा होगा तो 2 के ऊपर आके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सेम एज है 2, तो 2 के बगैर अगर हम देखें तो कितने यहाँ पे बन रहे हैं, 3 ये हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, 3 के बगैर भी 14 values here. ठीक है, अब उसने 15th भी select करनी थी, तो 15th के लिए उसको एक 2 select करना पड़ा, तो जब एक 2 select हो गया, तो it's there's no difference between this 2 and this 2, उसको बाकी सब भी उसने साथ फिर शो कर दिए, तो that's why it's not 15 exactly, लेकिन you get the idea कि आपने bottom से कुछ specific number आपको चाहिए हो, top से कुछ specific number चाहिए हो, you can achieve that using this top something or bottom something option. Above average or below average, आप देखना चाहते हैं कि below average कितनी age थी. For example, average age is इसमें जो भी है, we don't know what that is unless we apply some formula and calculate that. Below average अगर हमने select किया, तो आपको क्या बताएगा कि वो सारे लोग जो average age से कम थे, average age से young थे. आप पर सिर्फ उनका डेटा आ जाएगा. ठीक है, इफ वी क्लिक ऑन दैट, सो दैट्स वन ऑप्शन, सो दैट्स वन ऑप्शन एज वेल. इसको अबव एवरेज भी कर सकते हैं एंड सो ऑन. यू कैन ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दिस, वी हैव सीन दिस बिफोर एज वेल. तो अब इसको देखने की कोशिश करें, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स एंड सी कि आप किस तरह के डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड. सारे न्यूमेरिकल जो वेरिएबल्स, न्यूमेरिकल जो कॉलम्स होंगे यहाँ पे, उसके अंदर you're going to have the same options like this. ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं. ये देखिए, आप जब टेक्स्ट कोई कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर यू आर गोइंग टू हैव सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर्स आ रहे होंगे आपके पास. इसमें आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इक्वल समथिंग, एग्जैक्टली इक्वल टू समथिंग, तो आपको सिर्फ वो फिल्टर कर देगा. डज नॉट इक्वल समथिंग, begins with something. Let's say आपको कोई वो फिल्टर करने हैं जो किसी स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक लेटर पे एंड होते हैं, या दे कंटेन समथिंग. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल फिल्टर, whether they contain something or does not contain something, right? So let's say I want to select only those names that do not have an A in them, let's say. ठीक है, or I could also say that do not have, let's say, पहले मैं apply करता हूँ, that do not have an A in them. Okay, so we click on that. So ये सारे नाम वो हैं जो जिनके अंदर A नहीं आ रहा. By the way, we can also apply multiple filters. इस तरह में देखें, age पे filter below average वाला already applied है. जो ऊपर sign नजर आ रहा है ना आपको, ये sign जो ये bucket से बनी हुई है, this is a sign कि इस column के ऊपर कोई filter apply हुआ है. ये जो एरो होता है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर मेंस जो है डेटा, इसके ऊपर सॉर्टेड है. जब ये बना होता है, इसका मतलब है कि फिल्टर्ड है. तो करंटली एज के ऊपर भी फिल्टर लगा हुआ है बिलो एवरेज एज का, और ये नेम के ऊपर मैंने फिल्टर लगा दिया है कि नाम के अंदर ए नहीं आना चाहिए.
ठीक है, ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया. Similarly, you can also apply some other filter. For example, you can say does not contain, let's say, Mr. नहीं आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, Mr. के अंदर, by the way, Mr. लिखूंगा तो Mrs. भी automatically जो है निकल जाएगा. Why? Because Mrs. के अंदर भी Mr. तो आ रहा होगा इस तरह से, तो वो भी निकल जाएंगे. So just keep that in mind. इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं. So we see we don't have any name that contains either Mr. or Mrs. ठीक है, बस Miss आ रहे हैं, Miss आ रही हैं names के अंदर यहाँ पे, लेकिन आपको Mr. या Mrs. जो है वो नहीं आ रहे. Right? So you can apply name filters, text filters like this as well. So this is also something that I would recommend that you try to experiment with this. You've got this data available. You've got some other data sets as well. The travel agent wala ek aur data hai, next sheet ke andar life is a roller coaster, this is another data. In different data sets ke upar try to experiment with these things, sorting, multiple level sorting, filtering, advanced. Ye jo humne ye andar apply kiya hai, ye wale filters, these are called advanced filters. So ye filtering apply kare, advanced filtering apply kare, and try to see what different kinds of things you can do there. ठीक है, so I leave you with this कि आप ये खुद से अब इसको experiment करें until the next weekend. We're not going to spend more time on this. Next weekend से हम एक और चीज start करेंगे, that's called pivot tables and pivot charts. But if you have any questions on this, next time you can also ask them. That's why I would recommend कि आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें अंटिल नेक्स्ट वीक. और कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो या कोई क्वेश्चंस हो, यू मेक श्योर यू मेक नोट ऑफ देम एंड आस्क देम. सो वी एंड हियर, सो वी एंड आवर क्लास हियर. दैट्स इट फॉर टुडे. इफ एनीबडी वांट्स टू लीव, यू आर फ्री टू लीव. द क्लास इज ऑफिशियली एंडेड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, यू आर वेरी वेलकम टू आस्क देम. यस, questions now. We've got about 10 minutes or so. So if questions hain aapke to bata dein. I'm here for the next 10 minutes. Yes, anyone? Sir, hello, can you hear me, sir? Hello, sir, it's all clear for today. मुझे मतलब हमारे कोर्स के मुतालिक नहीं सर, एक मुझे फेवर चाहिए आपसे सर, थोड़ी सी काउंसलिंग के लिए टाइम मिलेगा सर, किसी भी टाइम. किसके लिए? थोड़ी सी काउंसलिंग सर, मैं एमएस करना चाह रहा हूँ सर, तो रिलेटेड टू आवर फील्ड सर, तो मैं थोड़ा सा आपसे उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा किसी भी टाइम, एनी टाइम सर. उसामा, वी कैन सेट अप अ टाइम फॉर, अच्छा, हाउ सून डू यू वांट टू डू इट सर? इट्स नॉट हरी सर. ओके हरी, ओके, सो इफ इट्स नॉट अर्जेंट, we can do it. Yeah, so next weekend after either Saturday or Sunday, we can sit after our class. If you're free after class, so we can sit for however much time you want. It's totally fine, sir. Yeah, totally. So next weekend, Saturday or Sunday, class ke baad, hum jo hai, we can spend time. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.